गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द काइनेमेटिक्स L2, इट मीन्स लेक्चर 2. तो हमने कल भी बात की थी काइनेमेटिक्स लेक्चर 1 की. सो आज अपन बात कर रहे हैं लेक्चर 2. अब जो अपन ने कल बात की थी उसमें अपन ने देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को अपन कैसे अप्लाई करते हैं. लास्ट में अपन ने न्यूमेरिकल पार्ट भी डिस्कस किया था. अब आज अपन उनको ग्राफिकल मेथड से देख रहे हैं. ग्राफ से क्या है, जो चीज अपन एनालिटिकल मेथड से सोल्व करते हैं, ग्राफ से वो चीज हमें थोड़े से स्टेप्स कम हो जाते हैं और वो उसका सॉल्यूशन हमें थोड़ा जल्दी मिल जाता है. हरी बात समझ में. तो यहां अपन सबसे पहले देखते हैं काइनेमेटिक्स L2. ओके, देखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सम क्वांटिटी. जो भी बातें अपन ने कल की थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वो सब आज अपन करने वाले हैं. कल हमने बात की थी पूरे मेथड की, एनालिटिकल मेथड, एलजेब्रिक मेथड, लेकिन आज अपन किसकी बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड की. सबसे पहले पोजीशन वर्सेज टाइम ग्राफ. पोजीशन मतलब देखिए, पोजीशन वर्सेज टाइम ग्राफ है ना. तो यहां पर अपन ये देखते हैं कि किस तरह से टाइम के साथ किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है. सबसे पहले बात करते हैं जीरो वेलोसिटी. वेलोसिटी है तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई ग्राफ आएगा तो आपको लिखना है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब यहां बात कर रहे हैं जीरो वेलोसिटी की, ठीक है. अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज फिक्स एट ऑल टाइम सो बॉडी इज एट रेस्ट. देखो कैसे है, ये अपने लिया v, तो यहां से अपने पोजीशन को डिफाइन कर दिया x से और ये हो गया t. अगर मैं इसको लिखता हूं v को, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं dx by dt. अरी बात समझ में. तो ये क्या हो गया, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो देखिए ये आपका टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन है. दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां तो कुछ स्लोप मिल ही नहीं रहा मुझे, तो यहां मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू जीरो और एम स्लोप को अपन क्या लिखते हैं, टेन थीटा. तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी, टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू जीरो. तो स्लोप भी अपना कितना रहा है, जीरो. सो नाउ वी कैन से बॉडी इज मूविंग या ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो वेलोसिटी बिकॉज ऑफ दैट उसका स्लोप कितना रहा आपका, जीरो. अरे बात समझ में. नेक्स्ट देखते हैं यहां से कितना हो गया दिस पार्टिकल, तो अपन कह सकते हैं कि tan theta इज cos tan. ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अपन ने कल भी बात की थी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलेंगे, जब पार्टिकल कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. क्योंकि यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, वेलोसिटी की. अगर मैं यहां से बात करता हूं, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को अपन किससे बता रहे हैं, पोजीशन से, और ये हो गया आपका टाइम. अरी बात समझ में. मैंने बोला 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 सेकंड में, नेक्स्ट 2 मीटर इट मीन्स 4 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड मीन्स 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 मीटर मतलब 6 मीटर, और ये कितना हो गया 3 सेकंड. यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. अरे बात समझ में. तो यहां से कल भी मैंने आपको बताया था ग्राफ लगा के, जब ये डॉट अपन मिलाएंगे डॉट तो क्या बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ये इस टाइम एक्सिस से थोड़ा सा ये झुकी हुई है, झुका हुआ मतलब उसी को तो अपन इंक्लाइंड बोलेंगे. तो यहां से अपन लिख सकते हैं थीटा कोस्टेंट, थीटा कोस्टेंट. तो थीटा कोस्टेंट मतलब अपन एम, एम को अपन क्या बोलेंगे, स्लोप टेन थीटा, तो वो भी क्या होगा कोस्टेंट. और अगर कॉन्स्टेंट है तो चाहे मैं यहां से मेजर करूं, चाहे यहां से मेजर करूं, चाहे यहां से मेजर करूं, सब में थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉन्स्टेंट. जब स्लोप ही कॉन्स्टेंट है तो अपन क्या कह सकते हैं, नाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है आपका, कॉन्स्टेंट. क्लियर है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब यहां क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग विद टाइम. देखिए नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है ग्राफ बनाते हैं, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. ये अपन ने इस तरह से बनाया. सबसे पहले मैं यहां पर कुछ पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करता हूं. मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी. अब सबसे पहले देखो कैसे इसको सोल्व करना है, टाइम एक्सिस है और ये हो गया आपका एक्स. अगर मैं टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं,
और फिर इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई थीटा वन की। सेम यही कंपेयर अपन कहाँ करते हैं, बी पर, ये और ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया आपका थीटा टू, फिर ये और ये टेंजेंट ड्रॉ, सॉरी ये वाला टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया आपका थीटा थ्री। अरी बात समझ में? तो देखिए यहां से अगर अपन बात करें तो थीटा ए, ठीक है, थीटा ए लेस देन ए थीटा बी के लेस देन थीटा सी। नाउ वी कैन से टेन थीटा ए लेस देन टेन थीटा बी लेस देन टेन थीटा सी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा इंक्रीजिंग, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं टेन थीटा भी क्या होगा इंक्रीजिंग। सो नाउ वी कैन से बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी कि ऐसे ग्राफ कैसे आते हैं एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब एक तरह से क्या शो कर रहा है पैराबोलिक पाथ। आपने पढ़ा होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ऐसे आपने इक्वेशन पढ़ी होगी कई बार या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये सब जहां पर आएगी अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल वहां भी आपको बताया जाएगा पैराबोलिक पाथ क्या होता है। ये तो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है और ये क्या होता है आपका इस तरह से ये पैराबोलिक पाथ, जो कि अपन मैथ में आप अच्छे से पढ़ते हो, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद आता है डिक्रीजिंग विद टाइम। अब डिक्रीजिंग विद टाइम है तो देखिए ये वापस ग्राफ, ये हो गया आपका पोजीशन और ये हो गया टाइम, यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं मीटर और यहां सेकंड, क्लियर है? आप देखो डिक्रीजिंग विद टाइम, तो यहां से ये इस तरह से बना। अब अपन इस पर वापस क्या इंडिकेट करेंगे, पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया बेटा बी पॉइंट, है ना, और ये हो गया आपका सी पॉइंट। सब पे देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेथड क्या है आपका, टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये अपन ने टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। टेंजेंट, टेंजेंट जानते हो मैथ में, टेंजेंट में एक बार और बता देता हूँ, ये सर्कल, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस को टच करती हुई लाइन जो ड्रॉ करते अपन वो होता है आपका टेंजेंट। अगर कट करता तो फिर वो क्या हो जाती है उसकी कोड। अरी बात समझ में? ये टेंजेंट हो गया जो कि टच करते हुए निकलेगी। ओके, तो अब दो लाइन के बीच में जो एंगल बना वो है आपका थीटा ए, सेम दिस एंड दिस। अब ये क्या हो गया थीटा बी, सेम दिस एंड दिस, ये यहां से निकल के जा रही है थीटा सी। अगर मैं यहां से अब बात करूं तो देखिए थीटा ए, क्लियर है, लेस देन थीटा ए, ग्रेटर देन है आपका थीटा बी से, फिर ग्रेटर देन है थीटा सी से, यानी कि मैं यहां देख पा रहा हूं टेन थीटा ए ग्रेटर देन टेन थीटा बी ग्रेटर देन टेन थीटा सी। नाउ वी कैन से, हम क्या कह रहे हैं थीटा क्या हो रहा है आपका डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, तो टेन थीटा भी क्या होगा एज वेल एज, टेन थीटा डिक्रीजिंग तो टेन थीटा क्या होगा आपका डिक्रीजिंग, और अगर डिक्रीज होगा तो नाउ वी कैन से बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिक्रीजिंग विद टाइम। तो यहां से अपन क्या ले सकते हैं पाथ, तो ये भी यही बना एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर पैराबोलिक पाथ, लेकिन यहां पर देखो अगर पहले वाले में आपसे बात करूं मैं तो यहां पर इंक्रीज हो रहा था और अगर यहां पर बात करें तो यहां पर कैसा हो रहा है डिक्रीज, क्लियर है? ओके ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ। कल हमने बात करी थी एक्सीलरेशन की, व्हाट इज एक्सीलरेशन, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंजेज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब देखो अगर मैं यहां से बात करूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, अरी वास्तव में इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, क्लियर? अब देखो अगर मैं यहां से बात करूं डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई टी, यानी कि एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम कर्व, वो तो किसको देगा चेंज इन वेलोसिटी को। और अगर मैं स्लोप की बात करूं चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो किसको बताएगा एक्सीलरेशन को, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम का स्लोप अपन को क्या देगा एक्सीलरेशन। ओके, यहां पर बात करते हैं सबसे पहले जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन कब होगा, देखो अपन इंटेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें तो ए
डीवी बाई डी टी ऐसा लिख सकते हैं, मैथमेटिकल टूल में पढ़ा अपन ने, क्लियर है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर यहां से बात करें सबसे पहले तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, अभी मैंने बताया द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज जीरो, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा आपका क्या होगा जीरो, थीटा जीरो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन जीरो, जीरो, तो टेन जीरो की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी जीरो। अरे बात समझ में, अगर टेन जीरो की वैल्यू जीरो है तो क्या कुछ स्लोप वो आ गया, स्लोप भी कितना हो गया जीरो। स्लोप जीरो का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही है, अरे बात समझ में, मतलब कोई भी नहीं बना रही, नाउ वीकेंड से एंगल कितना होगा आपका जीरो, तो इस तरह से ग्राफ आ जाए। क्या अपन इसको ऐसा भी बना सकते हैं क्या ऐसा, तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला, क्यों, क्योंकि क्या टाइम कॉन्स्टेंट हो सकता है क्या, तो ऐसा ग्राफ तो आएगा ही नहीं, आरी बात समझ में, इसलिए कैसा आएगा इस तरह से, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सेम चीज, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी कि अपन यहां से कह सकते हैं इक्वल का मतलब क्या है, थीटा आपका क्या होगा कॉन्स्टेंट, और थीटा कॉन्स्टेंट है मतलब क्या हो गया टेन थीटा कॉन्स्टेंट, और टेन थीटा कॉन्स्टेंट है मतलब आपका स्लोप जो एम है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा। स्लोप को कैसे बताएंगे अपन, टेन थीटा से, एम इक्वल टू टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही ट्रिक याद रखनी है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू देखूं तो कितना आगे बढ़ जाऊं मैं, थीटा तो आपका क्या है कॉन्स्टेंट, तो नाउ वी कैन से एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, क्लियर है, ओके। उसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब अपन ने बोला था कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, स्लो होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, यानी कि अपन ये बोलेंगे, अपन ने बात करी थी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो यहां पर यू क्या था आपका इनिशियल वेलोसिटी और v क्या था आपका फाइनल वेलोसिटी, तो अगर मैं यहां से बात करूं a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो ये तो क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन, क्योंकि v की वैल्यू ज्यादा है, अगर v की वैल्यू लेस हो जाती है u से तो उसको क्या बोलेंगे रिटार्डेशन। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो थीटा ग्रेटर देन 90, क्योंकि अगर मैं इस पर ये इस तरह से नॉर्मल डालने की कोशिश करूंगा ये वाला, तो यहां से एंगल कितना बना 90, तो ये तो किसको एक्सेट कर रहा है 90 को, मतलब थीटा को हम क्या ले सकते हैं ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस और ऑब्ट्यूस है, मतलब ये क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। मान लीजिए जैसे पहले टाइम जीरो था तब पार्टिकल की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जब रेस्ट में था, ठीक है, जब वन हुआ तो थोड़ा कम हुआ, और जब ये मान लो 10 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो, मतलब यूनिफॉर्मली ये रिटार्ड होता हुआ जा रहा है। अरे बात समझ में, तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं थीटा ग्रेटर देन 90, और थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो 10 थीटा वो भी ग्रेटर देन क्या होगा 90 से ज्यादा होगा, यानी कि ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, यानी कि अपन लिख सकते हैं 10 90, तो इन्फिनिटी होता है, 10 90 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन दिस, तो आरी बात समझ में, यानी कि अपन यहां से क्या ले सकते हैं जो भी 10 90 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फिर नेगेटिव, नेगेटिव आएगी तो ग्राफ कैसा होगा आपका ऐसा। अभी अपन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर भी करेंगे, क्लियर है यहां तक, ओके ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन देखो क्या होगा, अगर मैं कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन की बात करूं तो यहां से क्या गया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, देखो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कब होगा, फॉर्मूला वही v इक्वल टू यू दिस, अगर मैं एक्सीलरेशन इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से v माइनस यू लिख सकता हूं, और v माइनस यू को मैं क्या बोल सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी, हरी बात समझ में, चेंज इन वेलोसिटी। अब ग्राफ ही कौन सा है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, हरी बात समझ में, तो यहां पर दो पैरेलल लाइन, फिर क्या होगा अभी सेम बात करते आए जो वेलोसिटी में करे, थीटा आपका जीरो, और थीटा जीरो है तो टेन थीटा भी कितना होगा जीरो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, तो स्लोप भी कितना होगा जीरो, तो अपन कह सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन, क्लियर है, ओके। यानी कि एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है तो कल अपन ने
ट्रेन वाला एग्जाम्पल भी बताया था आपको, ठीक है, वो अभी अपन क्वेश्चन देख लेंगे उसका। अब बात करते हैं अपन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, अपन बात करते हैं या मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ को आपके सामने शो कर रखा, आप इनको एक एक समझते हैं। देखो एक्स इक्वल टू एक्स आई, मान लीजिए अपने कोई पोजीशन ले ली ए टाइम जीरो पर, इक्वेशन एक्स वी ए आर एक्स टी, यानी कि फंक्शन ले लिया अपने एक्स इक्वल टू, कल बात करा था एक्स आई प्लस यू टी, यानी कि इसको किससे कंपेयर किया अपने वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से, अरी बात समझ में। तो यहां सबसे पहले देखते अपन एक्स टी ग्राफ में, ये एक्स और टी ग्राफ है यानी कि पोजिशन टाइम ग्राफ है, अरी बात समझ में। अगर मैं यहां पर टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन थीटा अगर मैं देखूं, तो थीटा अपन किधर से मेजर कर रहे हैं, यहां से, तो थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा अपन किसकी तरफ बढ़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ, तो इसका यू जो होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव, यू मतलब वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मैं यहां बात करूं तो थीटा कहां जा रहा है, इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन को तो अपन क्या बोलेंगे एसी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको क्या बोलेंगे सी डब्ल्यू, तो थीटा कहां जा रहा है अभी अपना, या नीचे, अरे बात समझ में। तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, अभी अपन ने इससे पहले ग्राफ में बात भी की थी और क्वेश्चन तो देखेंगे इसे, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव वेलोसिटी, क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं तो थीटा कितना हो रहा है जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू जीरो, क्लियर है। ये क्या हो गया आपका, देखो ये आपका मेन एक्सिस है, ये आप ऊपर जा रहे हो और ये कहां जा रहे हो आप नीचे, नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो ये क्या होगी नेगेटिव वेलोसिटी, क्लियर है। ये वाला ग्राफ देखो इसमें क्या है ऊपर, क्योंकि हम ओरिजिन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, और इसमें ओरिजिन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट, क्लियर है। और यहां पर जो आपका ग्राफ है, देखो ये ग्राफ इस तरह से है, ये एक्सीलरेशन टाइम, अब जो आपकी टाइम एक्सिस है, जो ग्राफ की मेन लाइन है, वो किस पर ओवरलैप कर दी अपन ने, किस पर ओवरलैप करके दिखा दी, इसी पर ही, क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका दिस, इस तरह से अपन सारे ग्राफ को एक एक करके समझ रहे हैं, और अभी अपन क्वेश्चंस तो करेंगे इसे, क्लियर है। स्टार्टिंग में आपको इस तरह से बेसिक बताया जा रहा है ताकि आप जब क्वेश्चंस करो तो आपको कोई प्रॉब्लम आए नहीं, और आपको पता है मेरे हर लेक्चर में आपको थ्योरी के बाद क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे आईजीएसओ में आप पेन नहीं उठा पाओगे, हरी बात समझ में, क्योंकि अपन को अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तभी आप वहां पर कुछ कर पाओगे, क्लियर है। ओके उसके बाद बात करते हैं अपन ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए कल अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करी थी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, और थर्ड की बात करूं तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी टू ए एस, सॉरी जी अभी नहीं लेंगे, टू ए एस, अरे बात समझ में, और एन एच बी वाली भी लिखी देता हूं, एस एन टी एच यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, अरी बात समझ में। तो ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन अपन कल प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। अब अगर यहां बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले तो बात कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्लियर है, इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। देखो ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, वेलोसिटी और टाइम का कर्व क्या देगा आपको, एक्सीलरेशन स्टार्टिंग में, बॉडी रेस्ट में यू, फिर ये आपका फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया आपका एंगल थीटा। अब यहां पर टू ज्योमेट्री है, एक तो बन गया आपका रेक्टेंगल और एक बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया तो मैं क्या करूंगा, ए वी माइनस यू अपॉन टी, अरी बात समझ में। अगर मुझे एरिया निकालना है तो ए टी क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, और अगर मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर मैं वेलोसिटी इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूँ, अरी बात समझ में। वो सब भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके इसको प्रूव करते हैं, क्लियर है। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन फ्रॉम द लाइन पी क्यू, इसका स्लोप देखते हैं, जो आपका वेलोसिटी टाइम का स्लोप है वही आपको क्या देगा एक्सीलरेशन, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो स्लोप ऑफ पी आर लाइन क्या देगा एक्सीलरेशन, तो अपन एक्सीलरेशन इसको क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
ये वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू आर, और बेस को लिख सकता हूँ मैं दिस पी आर। आ रही बात समझ में? अब क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी, ये डिस्टेंस क्या है वी, और यहाँ से यहाँ तक की यू। तो इसको तो ए हो ही गया, इसका स्लोप वेलोसिटी टाइम का एक्सीलरेशन देगा स्लोप, ठीक है। अब इसको क्या बता सकता हूँ मैं, वी माइनस यू, और पी आर को क्या लिख सकता हूँ टी। तो ये तो कल वाली इक्वेशन होगी, हरी बात समझ में? सो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है? यानी कि अपने स्लोप से इसको यहां से देख लिया। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है जो बहुत ईजी है। आप चाहो तो इसको अपने कल इसको तो विदाउट उसके भी देख लिया था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर है? ओके, सेकंड की बात करते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन में अपन को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो अगर मैं यहां से वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स ही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, करके देखते हैं यानी कि इसका एरिया निकाल लेते हैं। अगर मैं इस फर्स्ट वाले की बात करूं तो फर्स्ट आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया यू नो वेरी वेल, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये क्या बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? ये दो ज्योमेट्री हमें यहां पर दिखाई दे रही है। अगर मैं यह बात करूं तो ये क्या हो गया इसका ब्रेथ, और इसको ले लो लेंथ। तो इसको लिख सकता हूं मैं एस, ये एस यहां से ले आए अपन यू टी प्लस वन बाई टू, ठीक है। अब ये वाली लाइन कितनी होगी, वी माइनस यू इंटू दिस टी, हरी बात समझ में? तो यू टी प्लस वन बाई टू, और वी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी माइनस यू को ए टी, वो लिख रहा ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से वी माइनस यू क्या हो जाएगा आपका ए टी, हरी बात समझ में? तो ए टी इंटू टी, तो ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आपको ग्राफिकल मेथड से इसलिए प्रूव करवा रहे ताकि आपको ग्राफ से भी इन इक्वेशंस को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये पूरा हो गया, अपने शॉर्ट में इसका डेरिवेशन भी देख लिया, क्लियर, ठीक है। ये जो अब देखो आपका यहां से ये सेकंड तो मैंने पूरी प्रूव कराई दी आपको वी माइनस यू अपॉन टी करके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो थर्ड इक्वेशन में भी अपन ग्राफ यहां से ही लेंगे, हरी बात समझ में? ये पूरा ग्राफ ले लिया अपन ने यहां से। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखना अपन को, तो ये पूरा क्या बन रहा है आपका एक ट्रेपेजियम, ठीक है। इसको एक बार बना के देखते हैं अपन, ट्रेपेजियम। देखिए ये ले लिया आपने वी मतलब वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट में। यहां से अपने ले लिया इस पॉइंट को यू, क्लियर है। उसके बाद मैं बताता हूं यहां से ये हो गया इसका स्लोप थीटा, ये तो मेन ग्राफ है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन देखते हैं अपन यहां से, ये हो गया वी, यानी कि यहां से लगी यहां तक की वेलोसिटी वी, यहां से यहां तक की यू, ये हो गया यहां से यहां तक का टी, आ रही बात समझ में? अब इसको पॉइंट से नाम दे देते अपन, पॉइंट ले लेते हैं ओ पी क्यू आर एस, है ना, अपने अकॉर्डिंग अपन पॉइंट ले सकते हैं। अब ये पूरा क्या बन रहा है बेटा, ट्रेपेजियम, यानी कि ये जो पूरे की मैं बात कर रहा हूं ये पूरा क्या है आपका ट्रेपेजियम, ये पूरा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होते हैं, पहला अपन बता दें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं, इसकी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, तो देखो ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस, मैथ में पढ़ते हैं अपन सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय टू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, देम मतलब उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, अरे बात समझ में? तो यहां से देखो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम का एरिया, आपको क्या देगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये ले लिया अपन ने एस,
क्लियर है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं ओपी प्लस ओ क्यू एस, ओपी प्लस क्यू एस, ये कहां से लिखा अपन ने, फ्रॉम द कर्व से डिवाइड बाय टू, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा पी आर, ये वाली तो डिस्टेंस हुई ना भाई, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये क्या हो गया आपका पी आर, है ना। यहां मैं इस तरह से कर देता हूं ताकि आपको उसके बाद ये वाला पार्ट चल रहा है, यानी कि इसके बाद अपन कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला। अब देखो यहां से, ठीक है, एस वैल्यू पुट कर दें, ओपी की वैल्यू मुझे यहां से दिख रही है फ्रॉम द कर्व यू प्लस वी बाय टू, और उनके बीच की डिस्टेंस टी। क्या मैं टी को ए इक्वल टू यू नो वेरी वेल वी माइनस यू अपॉन टी, तो क्या मैं यहां से टी को वी माइनस यू अपॉन ए नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, क्लियर है। तो यहां से अपन ने वैल्यू पुट की तो एस यू प्लस वी बाय टू, और ये कितना हो गया वी माइनस यू अपॉन ए, फ्रॉम मैथमेटिक्स ए प्लस बी ए माइनस बी यू प्लस वी यू माइनस वी, तो क्या मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे टू ए और वो किसके इक्वल है बेटा एस के, तो क्या मैं यहां से इसको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपन ने इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करके देख लिया, आ रही बात समझ में। तो ये थी आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको अपन ने एक बार कल भी देखा था, कल देखा था अपन ने एनालिटिकल मेथड से, और आज देखा अपन ने ग्राफिकल मेथड से, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। देखो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में कैसे बताएंगे, अब तक जो अपन बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हॉरिजेंटल मोशन की, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकली प्रोजेक्टेड। जैसे मेरे हाथ में ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी सम इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया ऐसे, तो ये वापस कब आया होगा, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो होगी, जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी उसको अपन क्या बोलेंगे एच मैक्सिमम, उसी की बात करने जा रहे हैं। और आपको पता है अभी जो अपन ए की बात करें एक्सेलरेशन, वो तो क्या है अपना लीनियर एक्सेलरेशन तो है ही सही, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, अब वर्टिकल डायरेक्शन में कौन काम करेगा आपका जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ए किससे रिप्लेस हो जाएगा जी से। इसको देखते हैं अपन यहां पर, देखिए यहां से देखते हैं, मान लीजिए अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब अपन बात कर रहे हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता हूं, देखिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ऐसे थ्रो करता हूं, हरी बात समझ में, तो एक से हम किसके अगेंस्ट फेंक रहे इसको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, यानी कि जब ऊपर जाएगा फोर अपवर्ड मोशन, अगर मैं ऊपर अपवर्ड मोशन की बात करूं तो आपका ए किससे रिप्लेस होगा माइनस जी से, और अगर डाउनवर्ड मोशन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस जी, ये हो गया डाउनवर्ड मोशन, हरी बात समझ में, ये क्या हो जाएगा आपका डाउनवर्ड मोशन। तो यहां से अपन इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से बता सकते हैं, देखिए अगर अपवर्ड मोशन की बात करूं तो v इक्वल टू यू ए किससे रिप्लेस कर दिया जी से, मतलब माइनस जी से, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकंड की बात करूं तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये ऐसे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है लेकिन अब ये किसमें कन्वर्ट हो गई हाइट में, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं एच इक्वल टू यू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये तीनों इक्वेशन इस तरह से हो गई। अगर डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो ए आपका प्लस जी, तो वी इक्वल टू यू प्लस जी टी सेकंड, एस इक्वल टू एस की जगह कौन हो जाएगा अब आपका एच, एच इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, और थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, इस तरह से भी अपन इनको काम में ले सकते हैं। और जी की वैल्यू आपको पता है कितनी लेनी है, जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है वैसे तो, पर राउंड फिगर में कैलकुलेशन के लिए आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, हरी बात समझ में। ये फ्रीली फॉलिंग के लिए अपन बात करते हैं, यहां पर देखो इसका ये यहां पर बात कर लेते हैं अपन, ये हो गया अपना, इसमें अपन बात करते हैं यहां पर, देखिए अगर अपन बात करें फ्री फॉलिंग की, फ्रीली फॉलिंग, ठीक है, मान लीजिए फ्रीली फॉलिंग की अगर मैं बात करूं, ये आपका ग्राउंड है, यहां से मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट यू इनिशियल वेलोसिटी उससे थ्रो किया है, ठीक है, अब ये यहां पर तक गया एच हाइट कवर करते हुए,
ठीक है, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। देखो कैसे मैंने इसको ऊपर थ्रो किया, ये वापस नीचे कब आया होगा, जब इसका टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो गया होगा, जीरो। और वो कौन सी वेलोसिटी होगी फाइनल, अगर मैं इनिशियल को ही जीरो कर दूंगा तो फिर थ्रो कैसे करूंगा। अरे बात समझ में। अब देखो यहां पर वी भी है, यू भी है, एच भी है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेंगे, थर्ड। देखो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर ऊपर जा रहे हैं तो जी किस में लेंगे, माइनस में, जी माइनस एच। ओके, ए टॉप मोस्ट पॉइंट पर, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो वी आपका जीरो, तो यहां से मैं जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच ऐसा बता सकता हूं। अब ये एच, जैसे ये वी जीरो किया तो ये एच अब एच नहीं रहा, क्या हो गया, एच मैक्सिमम। हरी बात समझ में, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए अपन बहुत ध्यान से इस चीज को देख रहे हैं। एज मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं अपन, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। हरी बात समझ में, तो अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें अपन तो कितना आ गया आपका, यू स्क्वायर बाय टू जी। अब देखो टाइम ऑफ असेंट, अगर टाइम ऑफ असेंट की बात बताएं, टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, तो देखो यहां से वी इक्वल टू यू ऊपर जा रहा है प्लस माइनस जी टी। अब इसको क्या लिख दूं मैं, ए लिख देता हूं क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट की बात हो रही ना, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये जीरो, हरी बात समझ में, तो जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी ए, क्लियर है, तो इसको इधर ले आएंगे अपन, जी टी ए इक्वल टू यू, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, टी ए टाइम ऑफ एसेंट यू बाय जी, यानी कि ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, यू बाई जी। अगर ये ऊपर कहीं से नहीं टकराया, फ्री फॉल की बात करें तो वापस भी सेम इसी में आएगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना हो जाएगा, यू बाय जी, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो टी इक्वल टू टी ए प्लस टी डी लिख सकता हूं। अब टी ए की वैल्यू भी कितनी है, यू बाई जी, है ना, यहां से अपन इसको हाईलाइट करके देखते हैं, यू बाय जी, और यहां से भी कितना हो गया, U by G, तो कितना हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, 2U by G, ये भी आप यहां से देख सकते हो। तो फ्री फॉल आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अपन ने इसको यहां से किया, अगर यही पार्टिकल ऊपर से वापस ऐसे भी लाते अपन, हरी बात समझ में, अगर इसी पार्टिकल को मैं ऐसे लाता तो नीचे आने में, क्योंकि पार्टिकल यहां तक गया तो इसको मान लो टी ए, और वापस नीचे आने में टाइम कितना लगा, टी डी, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब है जब वो ग्राउंड से गया इस तरह से जाकर वापस आ गया, उसको बोलेंगे अपन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है। ओके, ये था आपका फ्री फॉल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, तो अपन ने बहुत सारे ग्राफ इसमें देखे, सबसे पहले अपन देखते हैं यहां पर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हरी बात समझ में। अब यहां पर अगर मैं देखूं, अभी अपन ने ग्राफ देखा तो ये ग्राफ दे रखा, और ये पहचानना है कि मोस्ट सुटेबल एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताना है, यानी कि मुझे एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स, इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करके देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन ये ग्राफ दिया हुआ है, अगर मैं यहां से बात करूं टाइम इस एक्सिस से, जो कि आपका पोजिशन एक्सिस है, तो मुझे तो थीटा ग्रेटर देन 90 दिख रहा है, हरी बात समझ में। तो सबसे पहला अपन हेल्प लेते हैं, यहां पर हिंट दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, यू नो वेरी वेल द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, सॉल्यूशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, जहां पर आपका एम क्या होता है, स्लोप, अभी बहुत सारी बात करते हुए हैं, और सी क्या है आपका, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, अरे बात समझ में, इंटरसेप्ट होता है, जैसे इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करूं यहां पर, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए अपन ने इस तरह से लिया, तो वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट हुआ है, ये आपका इंटरसेप्ट है, जिसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, क्लियर है। ये तो अपने क्वेश्चंस को क्वेश्चंस को समझ के और कॉन्सेप्ट को निकालने की कोशिश की है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अपन इसी फॉर्म में इसके इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं, हरी बात समझ में, बनाते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग चलूं, देखो
ये ग्राफ है आपका V नोट X नोट, आ रही बात समझ में? तो इसी में इक्वेशन बना लेते हैं Y कंपेयर सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसका, V इक्वल टू V नोट अपॉन X नोट, ठीक है? नेगेटिव में आ रही है स्लोप, X प्लस इसको क्या ले लूं मैं V नोट, Y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो एक सेकंड, अगर मैं यहां बात करूं तो देखो ये V नोट और X नोट है, आ रही बात समझ में? तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या बना रहे, आपकी इक्वेशन को बना रहे, ठीक है? अब अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो अपन को निकालना है एक्सीलरेशन, तो V को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकल टूल में अपन ने देखा था, इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू dv बाई dt, यानी कि पूरी जो इक्वेशन है उसका क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो अपन इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt, ठीक है? तो यहां भी लिख दो d बाई dt, और ये पूरी जो इक्वेशन है माइनस v नोट अपॉन x नोट x प्लस v नोट, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन गया आपका a, तो ये तो हो गया a, आ रही बात समझ में? d बाई dt v नोट x नोट, तो माइनस v नोट x नोट तो क्या है आपके कॉन्स्टेंट है, टर्न बाहर आ जाएगी, और इसको क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, और ये भी कॉन्स्टेंट है आपका, तो डी बाई डी टी, और ये कितना हो गया बेटा वी नोट, अरे बात समझ में? अब वी नोट इज क्या है आपका कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है जीरो, अरे बात समझ में? कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो, क्लियर है? तो यहां से अपन कह सकते हैं ए माइनस वी नोट एक्स नोट, हरी बात समझ में? V नोट अपॉन X नोट और dx बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ V, ये तो रिलेशन है अपने पास, लेकिन अभी हम उससे कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो V की वैल्यू क्या अपन यहाँ इक्वेशन वन से उठा के नहीं लिख सकते हैं, यहां से वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन वन करते हैं A इक्वल टू माइनस V नोट अपॉन X नोट, क्लियर है? और V की वैल्यू क्या लिख दूं मैं यहां से V नोट अपॉन X नोट माइनस में, ठीक है? एक्स प्लस वी नोट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? ए इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वी नोट अपॉन एक्स नोट का होल स्क्वायर, क्लियर है? और एक्स हो गया है और माइनस अंदर गया तो कितना हो गया माइनस वी नोट स्क्वायर अपॉन एक्स नोट, यहां तक हो गया, क्लियर है? मतलब अपन ने नॉर्मल कुछ नहीं किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां से कंपेयर कंपेयर करते हैं, कंपेयर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अपन कंपेयर करते हैं, जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये मुझे m की वैल्यू क्या दिख रही है यहां से v नोट अपॉन x नोट का स्क्वायर, क्योंकि m तो क्या हो गया ये वाली चीज x आपका दिख रहा है, और इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है ये वाला, और c क्या दिख रहा है आपका, ये तो क्या आया मतलब, और सी क्या आया माइनस वी नोट स्क्वायर अपॉन एक्स नोट, यानी कि यहां से मैं आपको हाईलाइट करता हूं कि जो आपकी ये वैल्यू आई है वो तो क्या आई है, बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया अपने पॉजिटिव, और ये क्या आई है आपकी नेगेटिव, यानी कि इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है और मेरा स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ मुझे कहां पर ढूंढना है जो अपन को चारों ऑप्शन दे रखे हैं, क्लियर है? अब अपन वापस आते हैं अपने इस वाले में, अगर मैं यहां से देखूं तो ये मुझे क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव स्लोप तो दिख रही है, अरे बात, ये स्लोप नेगेटिव दिख रही है अपन को यहां पर, क्लियर है? अगर इसमें देखें तो ये तो कितना हो गया इंटरसेप्ट नेगेटिव दिख रहा है, और स्लोप क्या दिख रही है अपनी पॉजिटिव, अरे बात समझ में? तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप आपकी पॉजिटिव, क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं दूसरा ग्राफ है आपका, ठीक है? फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर व्हाट फ्रैक्शन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी लास्ट 2 सेकंड टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द 7 सेकंड। अब मुझे यहां 7 सेकंड दिख भी रहे, लेकिन सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ग्राफ किस किस के बीच है, तो मुझे तो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच दिख रहा है, और पूछ क्या रहा है डिस्टेंस कवर्ड, तो ये तो ईजी है। देखो सोल्यूशन, वेलोसिटी क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ
डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वही क्या हो गया आपका डिस्टेंस। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि v इक्वल टू आपका क्या होता है dx बाई dt। तो यहाँ से अपन dx को क्या लिख सकते हैं v dt, यानी कि अपन x को क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन v dt। और ये क्या हो गया आपका एरिया अंडर कर्व। आ रही बात समझ में, ये आपका क्या हो गया एरिया अंडर कर्व। अब सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो पूरे इसका एरिया निकाल दे। ये क्या हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से कर लिया करो आप भी, ठीक है। फर्स्ट में क्या बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं यहां से तो देखो 1/2 बेस 3-1 और हाइट तो कितनी जा रही है 10। आ रही बात समझ में, तो ये तो कितना हो गया 1/2 × 2 × 10। तो ये तो कितना हो गया 10 मीटर। ये तो अभी फर्स्ट का निकला अपना, ठीक है। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या हो गया रेक्टेंगल लेंथ टू ब्रेथ 5 माइनस 3 और मल्टीप्लाई 10 2 × 10। तो ये कितना हो गया 20 मीटर। और थर्ड वापस क्या बन रहा है अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, तो 1/2 7 − 5 × 10। तो ये भी कितना हो गया 1/2 और ये कितना हो गया आपका 2 × 10। ये भी कर, तो ये भी कितना आया 10 मीटर। यानी कि फर्स्ट, ये देखो यहां से अपन इसको इक्वेशन में ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों को ऐड करो तो 10 + 20 + 30 + 10 = 40। यानी कि टोटल तो कितना आया 40 मीटर। लेकिन यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फर्स्ट 2 सेकंड में और ओवरऑल 7 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो वेरी इजी, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। फर्स्ट में कितना हुआ 10 और टोटल कितना हुआ 40 कट। तो कितना हो गया आपका ऑप्शन बी 1/4, दिस इज द आंसर। क्लियर है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और ये वो ज्योमेट्री है जो आप मैथ में अच्छे से जानते हो, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते ही हो, ठीक है, और आप रेक्टेंगल तो पढ़ते ही हो, ये तो अपन बिल्कुल पढ़ते ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्लियर है। और अभी आपको मैथमेटिकल टूल में भी बताया गया है। अब बात करते हैं थर्ड, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ओवर टू पार्टिकल एंड बी स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल रेस्पेक्टिवली, कितना दे रखा 30 और 60 टाइम एक्सिस। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए इज वी ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज वी बी देन वैल्यू ऑफ वी ए बाई वी बी। देखते हैं, देखो दो ग्राफ बनाते हैं यहां पर, ये बन गया, ठीक है, ये वेलोसिटी और ये टाइम, क्लियर है। और एक और ग्राफ इसी पे ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना बन रहा है आपका 30 और ये कितना बन रहा है आपका 60, क्योंकि मेजर कहां से करोगे टाइम एक्सिस से। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं वी ए, वी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ स्लोप डीवी बाई डी टी। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एम इक्वल टू 10 30 और 10 30 की वैल्यू 1/√3। और अगर मैं बात करूँ वी बी तो कितना हो जाएगा एम ए और ये हो गया एम बी 10 60 10 60 की वैल्यू √3। वेरी सिंपल, वी ए बाय वी बी, वी ए बाय वी बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 और ये कितना हो गया √3 कितना हो गया 1/3। तो द रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा आपका 1/3। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी मूविंग कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब तो आपने अच्छे से सीख ही लिया होगा सॉल्यूशन, ठीक है। वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ dx बाई डी टी, तो मैं dx इक्वल टू वी डी टी। आ रही बात समझ में, तो x इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं एरिया अंडर वी टी कर्व। ये तो मैंने बहुत अच्छे से कराया आपको मैथमेटिकल टूल में, क्लियर है। तो यहाँ से देखो इसका एरिया निकाल लेते हैं, ये पूरा एरिया, तो ये पूरा क्या बन गया 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है यहाँ से 10 और हाइट कितनी है मल्टीप्लाई 10। तो देखो विद अगर आप यूनिट के साथ वैल्यू पुट करते हो तो कितना हो गया 1/2 10 सेकंड × 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड गया
कट, तो कितना हो गया 50 मीटर। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10 सेकंड में 50 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल नेगेटिव। नेगेटिव कहां पर होगी भाई, नेगेटिव कहां पर होगी, जहां पर उसका स्लोप नेगेटिव होगा। सिंपल, तो सॉल्यूशन देखो, है ना, वी डी एक्स बाई डी टी। ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि पोजिशन टाइम ग्राफ है इसलिए ऐसा लिखा। क्लियर है। अब यहां पर अपने एक एक पे चेक करते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले वी सी, तो यहां पर अगर मैं स्लोप की बात करूं तो ये तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। अगर मैं यहां पर भी बात करूं तो ये भी मुझे क्या दिख रहा है, ये तो पैरेलल में दिख रहा है। यहां पर बात करूं तो थीटा, मुझे ये ग्राफ कैसे आता हुआ नजर आ रहा है नीचे, तो अपन ये बोलेंगे यहां से अगर इसका कॉन्सेप्ट देखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव एट दैट पॉइंट वेयर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट गिव्स द नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ग्राफ की बात करूं तो देखो ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। यहां पर ग्राफ कैसे आ रहा है नीचे, हरी बात समझ में, नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा नेगेटिव, तो ये कौन से पॉइंट पे दिखेगा मुझे, सी पर तो पॉजिटिव दिख रहा है, डी पर भी मुझे क्या दिख रहा है पॉजिटिव, और वी ई पर भी मुझे क्या दिख रहा है नेगेटिव, और वी एफ पर क्या दिख रहा है बेटा पॉजिटिव। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यानी कि पॉइंट ई पर, जहां पर मुझे कैसा दिख रहा है नेगेटिव। क्लियर है। तो ये था कुछ ग्राफिकल सेक्शन जो अपन ने काइनेमेटिक्स के लेक्चर 2 में कवर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे, ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन था, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। अभी काइनेमेटिक्स फिनिश नहीं हुआ है, काइनेमेटिक्स का एक पार्ट फिनिश हुआ है, वो है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें अपन ने आपको जो भी अपन को टाइम मिलता जा रहा है, कम टाइम में, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है कम टाइम में अपन लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके आईजीएसओ में, ताकि आपको हेल्प मिल सके। अब अपन जो नेक्स्ट की बात करेंगे वो करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, तो इसको समझते रहिए, जहां भी आपको डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में कहीं भी लिखकर डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।